Hello everyone, welcome to commerce classes. Today we will be understanding how to account for appropriation of profits when profit is not sufficient. मतलब जब आप profits appropriate करते हो, appropriation का मतलब है कि आपके profits में से partners को उनकी terms के accordingly salary देनी है, commission देना है, profit में share देना है. So while distributing profit among partners, हमारे दो main rules होते हैं. Number one, profit should be correct. मतलब कि profit में कोई भी mistake नहीं होनी चाहिए. So कोई भी ऐसा charge जो अभी तक आपने record नहीं किया है, उसको record करने के बाद ही आपको यहाँ पर profit लेना है. This is first rule. जैसे partner ने loan दिया है, तो interest on loan अगर आपने अभी charge नहीं किया, तो वो charge करने के बाद यहाँ profit transfer करेंगे. सिमिलरली अगर मैनेजर को सैलरी नहीं दी, तो उसकी सैलरी या उसकी कमीशन चार्ज करके नेट प्रॉफिट लोगे. ये पहला रूल है, प्रॉफिट करेक्ट होना चाहिए. सेकंड रूल इज कि हमारे पास प्रॉफिट सफिशियंट होना चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूट देयर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आपने पार्टनरशिप डीड में अलाउ कर दिया कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी, पार्टनर को कमीशन मिलेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आपके पास सफिशियंट प्रॉफिट होंगे. और अगर कंपनी फर्म के पास प्रॉफिट्स सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करते हैं, हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं कि पार्टनर्स को क्या क्या मिलना था. अगर उतने प्रॉफिट हैं आप दे दोगे और बाकी डिविजिबल प्रॉफिट रेशो में बटेगा. और अगर आपके पास उतने प्रॉफिट नहीं है, तो जो उनको पार्टनरशिप डीड में देना था उसी की रेशो में अवेलेबल प्रॉफिट को बांट देते हैं. मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू आज हम ये सेकंड कंडीशन चेक करेंगे जो मैं हमेशा आपको हर बार बताती हूँ. एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, राइट? रेशियो दे रखी है. देयर कैपिटल बैलेंसेज आर 4 लाख एंड 3 लाख. क्वाइट इजी, ये तो कैपिटल का बैलेंस है. अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बैलेंस आएगा. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड सैलरी टू वाई एट द रेट ऑफ 1500 पर मंथ. पर मंथ का मतलब एनुअल करना पड़ेगा. देयर ड्रॉइंग्स आर 20,000 एंड 15,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एज पर डीड अमाउंटेड टू 2,000 एंड 1500. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेटेड है, कोई इश्यू नहीं है. नेट प्रॉफिट बिफोर दीज एडजस्टमेंट इज 62,500. सो पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 62,500. अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली जो कुछ आपको पार्टनर्स को देना है वो आप दोगे अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स. सो पहला रूल होता है कि प्रॉफिट करेक्ट होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा जिससे हमें लगे कि कोई चार्ज है जो प्रॉफिट में लिखा नहीं है. मतलब ये करेक्टेड प्रॉफिट है, राइट? अब आप उनको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली जो कुछ देना है लिख लो. सो क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम. तो कैपिटल पर इंटरेस्ट, कैपिटल कितना है, 4 लाख. सो 10% पर एनम, 3 लाख फॉर वाई. ओके, सो 40,000, 30,000, 70,000. दूसरी चीज है सैलरी. सैलरी सिर्फ वाई को मिलेगी 1500 पर मंथ जो लिखा है, 18,000. और बाकी प्रॉफिट के लिए रेशो है ही 3:2, राइट? सो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली हमें उन्हें क्या क्या दे देना है, 70,000 और 18,000. इसको देने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो वो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, विच इज गिवन इन 3:2 रेशो. बट जो सेकंड कंडीशन है हमारी कि हम ये चीजें तभी दे सकते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट हो, राइट? अब इसमें प्रॉफिट में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा फॉर्म को. सो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसमें ऐड कर सकते हो. आपको एक्स और वाई से 2000 और 1500, 3500 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा. तो 66,000 आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है, लेकिन हमें उन्हें कितना देना है, 88,000. सो इज इट पॉसिबल, क्योंकि ये प्रॉफिट का बंटवारा है. आप प्रॉफिट को डिसाइड करते हो कि कुछ सैलरी में ले लो, कुछ इंटरेस्ट की तरह ले लो, बाकी रेशो में ले लो, लेकिन अब तो तुम्हारे पास प्रॉफिट ही नहीं है. सो अगर हमारे पास प्रॉफिट ना हो तो हम क्या करते हैं, जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है उसी को इनके पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली बांट देते हैं. सो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली एक्स को मिलने चाहिए थे 40,000, वाई को मिलना चाहिए था 48,000. सो अवेलेबल प्रॉफिट
of 66,000 is given in ratio 40:48. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये कितनी हो जाएगी 5:6. सो 5+6 11. 5/11 6/11. इसका मतलब ये जो प्रॉफिट हमारे पास है इसका 5/11 30,000 रुपीज एक्स को मिलेगा और 6/11 36,000 मिलेगा वाई को. सो अवेलेबल प्रॉफिट गिवन. क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट सफिशियंट नहीं है तो आप ये चीजें इन्हें नहीं दे सकते, राइट. सो अब क्या करेंगे, हम ये चीजें इन्हें नहीं देंगे, इसकी जगह अवेलेबल प्रॉफिट को इसी रेशो में बांट देंगे. ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए क्रॉस लगाया है, हमारे वर्किंग नोट्स में या रफ में हम क्रॉस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें रेशो चाहिए तो हमें ये प्रॉपर वर्किंग नोट्स में दिखाना पड़ेगा. तो ये हमारे वर्किंग नोट्स है बट इसमें आप क्रॉस नहीं करोगे, यहां आप लिखोगे कि अवेलेबल प्रॉफिट 66,000 है. सो वी कैनॉट गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एज पर द डीड. सो इसी के रेशो में, इन द रेशो ऑफ देयर टोटल इमोल्यूमेंट्स, इस रेशो में, दैट इज इन द रेशो ऑफ 5:6, इनको अवेलेबल प्रॉफिट बांट दिया जाएगा, ठीक है. सो अकाउंटिंग में ये चीजें नहीं आएंगी, अब सिर्फ यही आएगा. सपोज आपका प्रॉफिट 66 की जगह 1 लाख होता, आप इजीली दे सकते थे, दे देते, बाकी प्रॉफिट बच गया 12,000, तो वो 12,000 उनकी रेशो 3:2 में उनको बांट देते, राइट. सो इस तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं अगर हमें अवेलेबल प्रॉफिट सफिशियंट ना दे रखा हो. सो इसकी वर्किंग के लिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. सो आई हैव दैट फॉर्मेट सो दैट हमारा काम आसान हो जाए, राइट. अब कैसे स्टार्ट होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट. सो आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर. सो नेट प्रॉफिट आपका कितना है, 62,500, जो कि करेक्टेड प्रॉफिट था. इसके अलावा प्रॉफिट पे क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. सो क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमारे क्रेडिट में ऐड होते हैं और डिक्रीज उनकी डेबिट में लिखी जाती है. सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट एक्स एंड वाई 2,000, 1,500, 3,500, टोटल हो गया 66,000. सो यहां हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट इन 5:6 रेशियो. तो अब ये प्रॉफिट जो है हमारा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे, ना ही हम उनको सैलरी दे सकते हैं क्योंकि इतना प्रॉफिट नहीं है. तो जो प्रॉफिट है वो उनके इमोल्यूमेंट की रेशो में बट जाएगा. सो कैलकुलेशन आपने वर्किंग नोट में कर रखी है. अब इस क्वेश्चन में ये है कि ये वर्किंग नोट आपके फेयर का पार्ट होगा. सो जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे क्वेश्चंस की, बाय प्रैक्टिस आपको समझ आ जाएगी कि हाँ इसमें वर्किंग नोट जरूरी है. ऑल्दो ये हर क्वेश्चन में अगर आप वर्किंग नोट बनाओगे तो आपके लिए भी ईजी है, एग्जामिनर के लिए चेक करना भी ईजी है, बट इस तरह के क्वेश्चन में ये कंपल्सरी हो जाते हैं, अदरवाइज आपका ऑप्शन. नेक्स्ट क्या है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. तो क्योंकि इन्होंने करंट अकाउंट का जिक्र ही नहीं किया, इट मींस आपकी कैपिटल्स है फ्लक्चुएटिंग, जिसमें सब कुछ पार्टनर्स के अकाउंट्स में, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं. सो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का बहुत आसान तरीका है क्या, यू स्टार्ट विद द बैलेंस. आप इन्हें बैलेंस लिखो सबसे पहले. सो कैपिटल बीइंग अ लायबिलिटी फॉर द फर्म, तो बैलेंस आ गया क्रेडिट बैलेंस. सो अब जो चीजें कैपिटल में इंक्रीज करेंगी वो क्रेडिट में आएंगी और जो डिक्रीज होगी वो डेबिट में आएगी. अब कैपिटल के साथ साथ इनकी ड्रॉइंग्स लिख लो. सो टू पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट. ड्रॉइंग्स इसलिए लिख लो क्योंकि ये दो चीजें हैं जो हमें क्वेश्चन से डायरेक्टली लेनी है. इसके बाद हमें क्या करना है, इन्हें जो भी रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि इसके बाद इन्हें जो भी मिला है वो उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के थ्रू मिला है. सो आपको इसमें
और कुछ नहीं सोचना. वंस यू हैव रिटन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, अब यहां से क्रॉस एंट्री करो. क्रॉस एंट्री मतलब जो पार्टनर फर्म को दे रहे हैं वो यहां लिखा है, तो इसको क्रॉस एंट्री, यहां डेबिट. क्योंकि अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को दे रहे हैं तो आपका पार्टनर्स का बैलेंस कम हो जाएगा. सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट 2000 1000, और यहां फर्म पार्टनर को जो दे रही है उससे पार्टनर्स का कैपिटल क्लेम बढ़ जाता है, तो क्रॉस एंट्री होती है. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 30,000 36,000. ठीक है, अपने आप से क्या लिखना है, कैपिटल बैलेंस लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखनी है, बाकी सिर्फ आपको P&L अप्रोप्रिएशन को क्रॉस पोस्ट करना है. क्रॉस क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री होती है, अगर एक चीज डेबिट है तो दूसरी क्रेडिट है. सो अगर यहां क्रेडिट है तो यहां डेबिट होना चाहिए, डेबिट का क्रेडिट होना चाहिए. राइट, अब इसे बैलेंस कर लो एंड राइट डाउन करेक्ट बैलेंसेस. बैलेंस करेक्ट करने का तरीका होता है कि आप उसको ब्रॉड डाउन करके लिखो, क्योंकि वही एक्चुअल बैलेंस है. अब एक्स को, फर्म को 4,30,000 का क्लेम लेना है फर्म से, फर्म की ये लाइबिलिटी है, और एक्स को देना है 22,000. इसका मतलब नेट में एक्स का क्लेम ही बन रहा है ना. सो 4,08,000 एक्चुअली क्लेम है. सो हम बैलेंसिंग के लिए यहां बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, क्योंकि हमें दोनों टोटल इक्वल करके बैलेंस करना होता है. ये हमारा बैलेंसिंग का तरीका है, लेकिन इनका बैलेंस ब्रॉड डाउन ही है, क्रेडिट बैलेंस है. लाइकवाइज 3,36,000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3,20,000. ये हो गए बैलेंसेस. तो इस तरह से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर सकते हैं. सो नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, और अगर जर्नल एंट्रीज आ जाए तो जर्नल एंट्रीज किस तरह से करते हैं. सो जर्नल एंट्रीज करना बहुत इजी है, आप ट्रांजेक्शन पढ़ते जाओ, एंट्री करते जाओ. नंबर वन, कैपिटल बैलेंसेस. तो कैपिटल बैलेंसेस की तो एंट्री करेंगे नहीं, वो तो बैलेंस में आ जाएगा. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देना, तो उसकी एंट्री करते हैं. बट इस क्वेश्चन में क्या है कि हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फंड्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं है उतना, तो इसकी एंट्री नहीं बनेगी. नेक्स्ट है ड्रॉइंग. सो एक्स और वाई की जो ड्रॉइंग्स हैं, अगर हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें तो उनके कैपिटल्स कम हो जाएंगे, कैपिटल में कमी डेबिट में. सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट. सो एक्स की ड्रॉइंग एक्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, वाई के ड्रॉइंग वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गई. नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ ड्रॉइंग्स टू कैपिटल अकाउंट्स. राइट, अच्छा सेकेंड क्या था, आपके पास प्रॉफिट आया था और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको पार्टनर से लेने, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने पार्टनर से लेने. सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर आप पार्टनर से लेते हो तो उसकी एंट्री क्या बनती है, पार्टनर के कैपिटल में कमी होगी. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. अगर पार्टनर्स फर्म को कुछ दे रहे हैं या फर्म ने पार्टनर से कुछ लेने हैं तो उनकी अकाउंट कैपिटल कम हो जाएगी. सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, एक्स के कैपिटल में 2000 और वाई के कैपिटल में 1500, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया 3500. ओके, उसके बाद आपको दे रखा है प्रॉफिट, विच इज अ करेक्टेड फिगर. तो प्रॉफिट का क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारा आता है P&L अकाउंट से. सो P&L से उसे P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं. जस्ट कंसिडर, ये आपका P&L अकाउंट है, यहां डेबिट में प्रॉफिट आ रहा होता है, नेट प्रॉफिट. अब इसको आप नेक्स्ट अकाउंट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हुए क्रेडिट में ट्रांसफर करते हो. सो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो नेक्स्ट एंट्री हो गई P&L अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 62,500. उसके बाद आपने क्या किया, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, सारा प्रॉफिट उनको एज इट इज बांट दिया. ठीक है, सो ये प्रॉफिट कैसे आया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करके. सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आपने चार्ज किया है
उसे अब आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्लोज कर देना है। सारे नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 3500। सो लास्ट एंट्री क्या हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। सो कितना आपका था, 66,000 प्रॉफिट था, आपने 30,000 और 36,000 रेशियो में पार्टनर्स को बांट के दे दिया और बीच में आप इनकी नरेशंस लिख सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी पास जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट्स। सो आप अपना अकाउंट बनाओ और उसी से देख के आप एंट्रीज कर सकते हो। राइट, सो दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन। अगर हमारे पास प्रॉफिट सफिशियंट नहीं है, अब देख लो यहां पे हमारे पास वी आर नॉट हैविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वी आर नॉट हैविंग एनी सैलरी, वो नहीं देंगे, ठीक है, सीधा इसे बांटेंगे। इसमें एक और चेंज है, नॉर्मली हम क्वेश्चन में क्या करते हैं कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं देते हैं क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। बट मान लो पार्टनर्स ये चाहते हैं कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हमेशा मिले, चाहे कुछ भी हो, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट है या नहीं है, उन्हें ये चीज मिलनी ही है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि पार्टनरशिप डीड सुपरसीड करती है एवरी अदर थिंग गिवन इन द एक्ट। सो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर प्रॉफिट सफिशियंट नहीं है तो अवेलेबल प्रॉफिट को उनके इमोल्यूमेंट्स की रेशो में बांट दो, जो हमने यहां किया। लेकिन अगर वो डीड में लिख दे कि पार्टनरशिप इज टू प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड सैलरी इन ऑल केसेस, उस केस में क्या होगा, क्योंकि अब आपको देना ही है चाहे कुछ हो जाए, तो अब क्या होगा, यहां पर आपको ये देना पड़ेगा। ओके, अब ये देने के बाद क्योंकि प्रॉफिट 66 था तो अब आपके पास यहां पर प्रॉफिट नहीं बचेगा, अब हो जाएगा लॉस, ठीक है। अब उसको लॉस की तरह से फिर उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, इस रेशियो में 22,000 का लॉस बांटेंगे, समझ रहे हो, 88,000 आपको बांटना है, अवेलेबल है 66,000, सो 22 जो आपके पास नहीं है उसे लॉस की तरह से 22,000 का लॉस पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। तो वर्किंग में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, अब आप सैलरी भी दोगे, तो डिफरेंस यहां आ जाएगा, इसे लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। सो उस लॉस को पार्टनर्स में बांटेंगे, बट ये तभी करेंगे जब हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा देनी है हर हाल में। अदरवाइज हमारा बेसिक रूल एज पर पार्टनरशिप एक्ट क्या है, अगर प्रॉफिट सफिशियंट नहीं है तो आप ये चीजें नहीं दोगे, आप अवेलेबल प्रॉफिट को इमोल्यूमेंट्स की रेशो में, इसका इमोल्यूमेंट एज पर एक्ट है 40,000, इमोल्यूमेंट एज पर पार्टनरशिप डीड है 48,000, तो इसी की रेशो में अवेलेबल प्रॉफिट बांट दी। ऑलराइट, सो यू कैन प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। वेयर एवर यू हैव एनी डाउट्स, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, या जैसे जो मैंने इसमें बाद में आपको एक पॉइंट समझाया, अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई ट्राई टू सॉर्ट योर क्वेरीज। थैंक यू।